हाँ दोस्तों, क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं सोचूंगा आपका दोस्त योगी फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे से लोग कह रहे थे कि हम नैनीताल आ रहे घूमने, तो आप हमें होटल सजेस्ट करिए। लास्ट टाइम भी मैंने होटल दी रिच की आपको यहाँ पे वीडियोज बना के दी थी, तो बहुत सारे लोग को यहाँ पर डाउट्स था कि क्या रेट चल रहे हैं नैनीताल में। जो है रेट जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अभी देखिए मैं नैनीताल के तलीताल पोर्शन में खड़ा हूँ, साइड में आप देख सकते हैं मेरे नैनी लेक है। और यहीं पे आप 50 मीटर आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नैनीताल का बस स्टैंड। और 50 मीटर या 60 मीटर के थोड़ा सा डिस्टेंस आगे और जाएंगे तो आपको मिल जाएगी नैनीताल की मॉल रोड। तो नैनीताल मॉल रोड के पास लोग आप बहुत से लोगों को नैनीताल मॉल रोड के पास से रहता है होटल। तो मैं आप लोग को दी ओक रिज होटल दिखाते हैं। और जो इसके प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ, जो यहाँ के ओनर है सर उन्हीं का नंबर दे रहा हूँ, तो आप उनसे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। तो आप लोग को वही सीधे प्राइस बताएंगे यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, या इनके पास अभी रूम्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग हो जाती है ऑलरेडी। अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं रूम अवेलेबल है नहीं है। भैया रूम मिल जाएंगे? हाँ जी सर, कितने लोग हैं सर? हम दो लोग हैं। दो लोगों सर, लेकिन हमारे पास सर अभी दो 3-bedded रूम है, लेकिन आप देखना चाहो तो आपको दिखा देते हैं। हाँ चेक करा दीजिए। हमें लेक व्यू वाला चाहिए सर। हाँ हाँ, लेक व्यू वाला ही देंगे आपको। सर हमारे पास बढ़िया कपल रूम है, वो दिखा दें आपको। यहाँ पे ले लो कपल रूम। देखिए सर, लाइट ऑन कर दी मैंने, ये देखिए अच्छे से। और ये वॉशरूम देखिए, ये वॉशरूम वाईफाई सारा कुछ, एलईडी टीवी, गीजर चलता है ना? हाँ हाँ सर, गीजर भी चलता है। और ये टीवी देख लीजिए, और वाईफाई भी है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक केटल, और रूम ये देख लीजिए, और विंडो खोल के व्यू देख लीजिए। अच्छा सर, ये देख लीजिए सर। अच्छा, बोटिंग वगैरह हो जाती है? हाँ सर, बोटिंग भी हो जाती है, बोटिंग का हो जाती है। सामने है बोटिंग का पॉइंट। अच्छा, बोटिंग पॉइंट यहाँ पे? हाँ, और मॉल रोड ही है। मॉल रोड है सामने, और सामने ये देखो, ये ठंडी रोड होगी। अच्छा अच्छा, होटल की पार्किंग नहीं होगी ना? होटल की नहीं है, सामने ही है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ लाइट है बस सामने पार्किंग है। अच्छा, और फैमिलीज को देते पार्किंग का चार्जेस क्या रहता है? पार्किंग का 120 रुपए रहता है सर। अच्छा, 24 आवर्स का? हाँ। अच्छा, और ये ट्रिपल बेडेड रूम, वैसे हम कपल को ही देते हैं, खास कपल के लिए बना रखा है। अच्छा, बॉयज आते हैं तो उनको नहीं मिलेगा? नहीं, बॉयज को नहीं मिलेगा, ओनली कपल को मिलेगा। तो हमें दूसरा रूम दिखा दीजिए जो आप कह रहे थे। हाँ, वो फैमिली वाला दिखा दीजिए उनको। अभी आपके पास दो ही रूम है क्या? अभी हमारे पास दो रूम है, और बाकी सारे पैक्ड है? सारे पैक है। ये देखिए सर, वॉशरूम देखिए, पूरा साफ सुथरा, इसमें भी सारा कुछ लगा हुआ। और ये देख लीजिए सर रूम, कितने लोग रह सकते हैं? इसमें वैसे सर 3 लोग रह सकते हैं, मतलब जैसे 4 लोग आएंगे तो उनको अलाउ नहीं करोगे? मतलब मैक्सिमम 4 जने, 3 जने बड़े हैं, एक बच्चा है साथ में, तो हो जाएगा इसमें। अच्छा हाँ, मैंने सुना कि आपके नीचे कैफे भी है, मैंने देखा वैसे। कैफे भी आइए, आपको दिखाते हैं। अभी हमारे सब 4 रूम ऊपर फ्लोर में सारे लगे हुए हैं। अच्छा, वो छोटे वाले हैं? बड़े छोटे वाले 2 आगे लेग फेसिंग के हैं। हाँ। और 2 बैक साइड के हैं। अच्छा, और सर 2 रूम ये रहे हमारे, ये भी दरअसल लगे हुए हैं, ये भी लेग अच्छा। फेसिंग में है सारे। अच्छा। हाँ। ये इनसे ऊपर जैसे आपने ऊपर दिखाया, इनसे बड़े हैं छोटे हैं वाले? ये बड़े हुए 4 रूम बड़े हैं हमारे पास। अच्छा, और बाकी छोटे हैं? बाकी छोटे तो कैफे दिखा दीजिए। हाँ सर, ये हमारी कैफे बनी है, देखिए सामने। अच्छा, सामने वो लेग फेसिंग वाली टेबल देखिए, और आगे से व्यू देखिए, इतना सुंदर। कैफे में क्या क्या मिल जाएगा हमें? सर पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मॉकटेल, शेक, सारा कुछ मिल जाएगा। तो कैफे में हमें यहाँ पे सर मिल गया, आप बता दीजिए हमें कैफे में क्या क्या मिल जाएगा? कॉफी मिल जाएगी सर, पिज्जा मिल जाएगा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। जो आपको सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा सेल होता है कौन सा है? सबसे अच्छा ज्यादातर हमारा पिज्जा पास्ता सेल होता है। अच्छा, पास्ता। इसके अलावा मॉकटेल में, फिर कॉफी वगैरह। अब फेमस क्या है अभी आपका ये पास्ता? पिज्जा पास्ता।
अगर हम एक केक पूरा ले जाना हो तो ऐसे मिल जाएगा या प्राइस फिक्स रहता है या? मेन्यू में आपको मेन्यू दिखा दीजिए। यहाँ का मेन्यू है सिल्स कैफे दी ओपरेज होटल के जैसे अटैच्ड ही है, ये भी काफ़ी अच्छा मेन्यू है इनका। सर एक बात आपको बताना भूल गया मैं, आप जो भी खाते हैं उसका भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं। अच्छा रिव्यू डाल सकते हैं। हाँ। अच्छा ये रिव्यू पॉइंट है, यानी कि सबने रिव्यूज दे रखे हैं यहाँ पे। बाकी जैसे अगर जो आपके रूम सभी लगे हुए हैं, हाँ। अगर उनके हमें वीडियो चाहिए होंगे तो बाद में व्हाट्सएप हो जाएंगे। हाँ, सारी वीडियो व्हाट्सएप हो जाएंगे। और कितने बजे यहाँ पे चेक इन का टाइमिंग क्या, चेकआउट का टाइमिंग क्या? चेकआउट टाइम तो सर 10 बजे है और चेकिंग टाइम आप 12 बजे है, 12 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, लास्ट 11 बजे तक शाम। अभी जो मई से लेकर अभी तक अक्टूबर तक यहाँ पे सीजन हाई चलेगा ना वैसे? हाँ अक्टूबर चलता है, नवंबर तक चलता है हाई, ये नवंबर में तो होटल प्राइस थोड़े ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। अगर हमें रूम सर्विस चाहिए होगी जैसे रूम में चाहिए हमें सारा, तो रूम पर मिल जाएगा सर। शाम सर के जो कैफे का वो है, हाँ सारा कुछ मिल जाएगा, मेन्यू कार्ड है हमारे रूम के ऊपर। अच्छा सर, इसी का है या बाहर का? और नहीं सर इसी का है। अच्छा अटैच्ड है आपका ये पूरा होटल और कैफे? हाँ। अच्छा सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ये बिस्किट वगैरह दिख रहे हैं मुझे? हाँ ये बिस्किट है, ओपन हो जाएगा? हाँ ओपन हो जाएगा। तो बिस्किट अगर कुकीज ये सब यहीं पे बनता है? हाँ सब सब यहीं पे बनता है। अच्छा इसका प्राइस क्या है बिस्किट का, ये वो बताएंगे हमें? हाँ बिस्किट का प्राइस, बिस्किट का प्राइस क्या है यहाँ पे? बिस्किट का 170 से स्टार्ट, 170 क्या बोला? 170 170 से? हाँ जी। अच्छा यहाँ पे रखे हुए हैं? अच्छा एक बार आप आइए हमें बता दीजिए कौन कौन से बिस्किट है अगर हमें ले जाने हो तो। ये चौकची पे सर। हाँ। और एक बुर्ती ले, ये जीरा कुकीज है। जीरा? हाँ जी। वनीला चिप भी दिख रहा है जी, वहीं पे। अच्छा वहाँ पे? अच्छा और बाकी और क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें यहाँ पे लोकल में नहीं देखने को मिले, जो आपके कैफे में मिले हमें, वो कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि बर्थडे बैनर वगैरह। ये अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन करना हमें रूम में तो हो जाएगा? अगर रूम में हमें डेकोरेशन वगैरह करना है अपना सारा हो जाएगा? और जैसे एनिवर्सरी वगैरह करनी हो सारे डेकोरेशन, उसका चार्जेस क्या रहते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा? सर वैसे बैलून का ही रहता है, बैलून्स के चार्जेस रहते हैं। अच्छा डेकोरेशन अपनी तरफ से हो जाता है सब? हाँ। जब बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो कितने जनों को अलाउ करेंगे आप रूम में? एक रूम पे। हाँ। रूम में फैमिली के साथ जितने हैं उतने ही होंगे, और बाहर के मतलब अलाउ नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं अलाउ करेंगे। ओके सर थैंक यू।